छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे पर रहे। उन्होंने संकल्प शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष दो सावन होने के कारण यह अंतिम सावन सोमवार है। मुख्यमंत्री ने लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दी। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि भाजपा के 15 साल में छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जैसे कि आग फोड़वा कांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड। हमने मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों के गली मोहल्ले में जा जाकर लोगों को इलाज की है। मुख्यमंत्री के द्वारा 33 विधानसभाओं में संकल्प शिविर किया जा चुका है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर कहा कि जो व्यक्ति पार्टी को जिताकर लाएगा वैसे व्यक्ति को पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाएगा। पिछले समय भी भरवाए थे, कितने नाराज हुए फिर जीते ना। तो कार्यकर्ताओं के जो भावना है उसको भी समझना जरूरी है। ब्लॉक अध्यक्ष के जो उसको 5 का पैनल बनाने कहा गया है उसके भी विचार को सुनना जरूरी है। और यह प्रक्रिया पिछले समय भी अपनाया गया था, इस समय भी अपनाया गया है। और इसमें जब किसी योग्य व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो क्यों नाराज होगा, कोई नाराज नहीं होगा। 33 विधानसभाओं में आप संकल्प शिविर कर चुके हैं, कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जबरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ताओं के दम पे हम चुनाव में। सर ये ईडीआईटी को बोल दिया कुकुर मिलाई की तरफ घूम रहे हैं। अरे तो क्या कर रहे थे मैंने यार, रोज 3 साल हो गए है ना, उस घर में फिर एक बार जाए, फिर 2 महीने दूसरा बार जाए, फिर दूसरा साल जाए, फिर तीसरा, एक बार आईटी जाए, एक बार फिर ईडी जाए, अब वो सीबीआई जांच करे, एक बार आवेदन कर दे। अरे ये पुलिस वाला मन है महादेव की कार्रवाई करे पूरे देश में, अकेला 450 आदमी मतलब गिरफ्तार करके देश भर के कोनो कोनो से लाए, अब वो मतलब बला बला पूछा थे। अरे जी हाँ कार्यालय थे मतलब जा कुछ चलो धन्यवाद।